हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो यारो, आज की वीडियो होने वाली है पो की अपडेट्स का पार्ट टू। पार्ट वन के बेहतरीन रिस्पांस के बाद मुझे पार्ट टू तो लाना ही था, तो वो ये रहा। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले मैं कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बात करूंगा उस टॉपिक के ऊपर जो कि रिसेंटली रिवील हुआ है कि ऐश का चेहरा सन एंड मून में क्यों बदला गया था। जहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐश का चेहरा पोकेमोन XYZ में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसके बाद मेकर्स ने सन एंड मून में ऐश का चेहरा क्यों बदल दिया, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, अब से अपने चैनल पे रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। वैसे मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ और हमेशा वीडियो लाने में लेट कर देता हूँ, लेकिन गाइस इस बार मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाला महीना अपना महीना है, तो उसके अंदर मैं बहुत खतरनाक वीडियोस अपलोड करूंगा, तो सपोर्ट बनाए रखना। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहली अपडेट आ रही है पोकेमोन सन एंड मून में अलोला लीग की तरफ से। तो गाइस फाइनली अलोला लीग में ऐश ने अपनी जीत हासिल कर ली है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो आप जान गए हैं। तो गाइस आप मेरा रिएक्शन देख सकते हैं, जब ऐश अलोला लीग जीता था तो मेरा रिएक्शन क्या था। तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसे था कि मैंने यूट्यूब खोला और उसके बाद काफी लोगों ने पोस्ट कर रखा था कि ऐश अलोला लीग जीत गया। तो जब मैंने पोस्ट पढ़ा तो उसके बाद मेरा रिएक्शन कुछ इस प्रकार था। क्यों, कैसे पॉसिबल नहीं है ये, मैं मानता ही नहीं, कोई नहीं, कैसे मान लूं मैं ये चीज, कैसे मान लूं मैं ये चीज हो रही है। तो गाइस अगली अपडेट आ रही है पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड की तरफ से। तो गाइस हाल ही में पोकेमोन के मेकर्स ने पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के पोकेमोन को दिखाने के लिए पूरे 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम की थी यूट्यूब और फेसबुक पर। तो उस लाइव स्ट्रीम से हमें काफी सारे नए पोकेमोन इंट्रोड्यूस कराए गए, जिनकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइस मैं इस सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऐश का चेहरा कुछ ऐसा होने वाला है। आप कंपैरिजन देख सकते हो सन एंड मून वाला ऐश और स्वॉर्ड एंड शील्ड वाला ऐश में। वैसे जो स्वॉर्ड एंड शील्ड वाला ऐश का लुक है वो सन एंड मून से अच्छा है, लेकिन मैं कुछ नेक्स्ट लेवल सोच के बैठा था कि हमें कुछ ऐश की कोई बहुत तगड़ी शक्ल देखने को मिलेगी जैसे पोकेमोन XYZ में थी, लेकिन ये वाला चेहरा भी अपने को चल जाएगा कम से कम। इसमें तो अपना ऐश अच्छा लग ही रहा है, लेकिन अब थोड़ा और ऐसा लग रहा है कि इसकी एज कम कर दी गई हो। और साथ में ये रिवील किया गया कि जो ऐश के साथ में ये बंदा खड़ा है इसका नाम गू है, और ये ऐश का दुश्मन भी हो सकता है या ऐश का साथी भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये ऐश का साथी ही होगा। और इसके नीचे स्कोर बनी है जो कि हमें ये बताता है कि ये एक नया ट्रेनर है ऐश की ही एज का। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़की है, भाई कहां से लड़की लग रहा है, साफ साफ शुद्ध लड़का दिख रहा है मुझे तो। अब आपकी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है आपको ये क्या लग रहा है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में काफी सारे नए जायंट मैक्स रिलीज कर दिए गए हैं। पता नहीं मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये जायजेंटा मैक्स, जायंट मैक्स जो भी है आप लोग पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे लिखा है। तो यहाँ पे पोकेमोन फैंस के लिए सबसे खुशी की बात ये रही कि यहाँ पे चार्जार्ड और पिकाचू का जायंट मैक्स दिखा दिया गया। और मैं सच कह रहा हूँ चार्जार्ड यहाँ पे काफी ज्यादा औसम लग रहा है, अब एनिमे में देखने में इसे और मजा आने वाला है, एक्साइटमेंट काफी है, बस आप लोग तैयार है ना 17 नवंबर को। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो आखिरकार अलोला लीग खत्म हो चुकी है, तो साथ ही में यहाँ पे ऐश की फाइनल अलोला टीम का एक कोलाज बाहर आ चुका है जो कि आप देख सकते हो। वैसे मैं इस बात के लिए शौक हूँ कि यहाँ पे यार ऐश का राउलेट जो उसका सबसे पहला पोकेमोन था अलोला का, वो इवॉल्व ही नहीं हुआ ना दूसरे में ना तीसरे में। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी और फैंस को लगी वो ये है कि यहाँ पे ऐश की लिटन पूरी तरीके से इंसिनेरोर में इवॉल्व हो गई, और साथ ही में ऐश ने अलोला में पहली बार एक लेजेंडरी पोकेमोन भी पकड़ा। मतलब ऐश ने कुछ ना कुछ तरक्की की है अलोला लीग में। आपको देने वाला हूँ क्विक अपडेट। पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में हमें ये प्रोफेसर देखने वाले हैं, और साथ ही में उनकी बेटी भी है जिसके पास एक यैम्पर है, और ये गू की बचपन की दोस्त है। जैसा कि आपको पता है पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में ऐश इस बार सारे के सारे रीजन्स में ट्रैवल करने वाला है, चाहे वो जो टोसिन हो, कालोस, जो भी हो, वो सब में फिर से ट्रैवल करेगा। तो उसके ऑफिशियल पोस्टर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और इन पोस्टर्स को गौर से देखने के बाद ये कन्फर्म हो चुका है कि गू ऐश का साथी होगा। और अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है ऐश का चेहरा क्यों बदला गया सन एंड मून में। मैंने काफी लोगों से सुना है और काफी लोगों ने बताया है कि OLM स्टूडियो जो कि पोकेमोन को एनिमेट करती है उसके लिए काफी मुश्किल था पोकेमोन XYZ के आर्ट स्टाइल को एनिमेट करना, जबकि पोकेमोन सन एंड मून का आर्ट स्टाइल ड्रॉ करना उससे इजी था। तो इतनी मेहनत ना करने के बजाय उन्होंने सोचा कि हम आर्ट स्टाइल को चेंज ही कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सन एंड मून में। तो सभी लोग यही मानते हैं कि इसकी वजह से उन्होंने ऐश का चेहरा चेंज किया, लेकिन मैं आज आपको पूरा पुख्ता एकदम करेक्ट रीजन बताने वाला हूँ कि ऐश का चेहरा क्यों बदला गया था। इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े,
और अगर आपको मेरी बात पे कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको उस आर्टिकल का लिंक दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। अब इसका सिर्फ एक लाइन का रीजन है, अब आप उसको सच मानो ना मानो, लेकिन ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि पोकेमॉन XY सीरीज को जापान में सबसे कम TRP मिलती थी। टॉप 10 TRP लिस्ट में आने वाली पोकेमॉन सीरीज को पोकेमॉन XY ने पूरा बदल के रख दिया, क्योंकि पोकेमॉन XY की TRP टॉप 25 में आने लगी जापान में। और आप तो जानते हैं जापान एनिमी का देश है, वहाँ सिर्फ एनिमी चलते हैं, तो टॉप 25 में आना वन ऑफ द पोअर TRP माना जाता है जापान में। इसी की वजह से उन्होंने सोचा अगर हम आर्ट स्टाइल को और चेंज करके देखे तो देखते हैं फैंस का रिस्पॉन्स कैसा आता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, पोकेमॉन सन एंड मून की TRP टॉप 10 में 7, 5, 4 ऐसे नंबर पर रही है, जिससे आप सोच सकते हैं उन्हें ये आर्ट स्टाइल चेंज करके कितना ज्यादा फायदा मिला। तो यही था रीजन। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 6000 लाइक, देखते हैं आप लोग 6000 लाइक कर पाते हो कि नहीं, ये एम थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं कब तक पूरा होगा। और अब से मेरी आएंगी रेगुलर वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।